संजय राव दिल्ली में, उद्धव ठाकरे गुट के दावे पर एनसीपी नेता छगन भुजबल का बड़ा बयान। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने कहा, हम महाविकास अघाड़ी के रूप में एक साथ लड़ना चाहते हैं, लेकिन इच्छा हमेशा पर्याप्त नहीं होती है। उद्धव ठाकरे गुट की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे सरकार गिर जाएगी। शिवसेना सांसद संजय राउत के बयान से महाराष्ट्र की राजनीति गरमाई हुई है। संजय राउत के बयान पर राजनीतिक हलकों से तरह तरह की प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। ऐसी संभावनाएं हैं कि महाराष्ट्र में चल रहे सत्ता संघर्ष पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला जल्द आ सकता है। यदि सीएम परिणाम शिंदे समूह के खिलाफ जाता है तो सरकार भंग होने की भविष्यवाणी की जा रही है। हालांकि इन सब की पृष्ठभूमि में एनसीपी के नेता छगन भुजबल ने एक राजनीतिक गणित पेश किया है। संजय राउत का दावा, शिवसेना संजय राउत ने दावा किया कि दिल्ली में मुख्यमंत्री बदलने की कवायद चल रही है। जब छगन भुजबल से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, संजय राउत दिल्ली में काम करते हैं, वो संपादक हैं, उन्हें जानकारी है, लेकिन मुख्यमंत्री बदलने की ऐसी जानकारी मुझे नहीं है। उन्होंने आगे कहा, 16 विधायकों का मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, अगर फैसला उनके खिलाफ जाता है तो वे अपने विधायकों को खो देंगे। इसमें शिंदे साहब हैं, वो जाएंगे तो दूसरा मुख्यमंत्री आएगा उनके खिलाफ फैसले के साथ। भले ही वो मुख्यमंत्री का पद खो दें, उनकी सरकार के पास 149 विधायकों को छोड़कर 165 विधायकों का समर्थन है, इसलिए उनकी सरकार उनकी ही रहेगी। भुजबल ने यह भी बताया कि मुख्यमंत्री पद पर आसीन व्यक्ति ही बदल सकता है। क्या बोले शरद पवार? एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने कहा, हम महाविकास अघाड़ी के रूप में एक साथ लड़ना चाहते हैं, लेकिन इच्छा हमेशा पर्याप्त नहीं होती। उनके इस बयान के राजनीतिक असर हो रहे हैं। मोर्चे में नाकामी की बातों ने जोर पकड़ लिया है। इस पर छगन भुजबल ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा, इसका मतलब ये मत निकालिए कि गठबंधन टूट जाएगा।